हे गाइस, वेलकम बैक टू चंडीगढ़ ब्यूटी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है हेयर केयर से रिलेटेड। आज हम बात करने वाले हैं बालों में दही लगाने के फायदे, प्लस इसको कैसे लगाना चाहिए, कितनी देर तक आप इसको लगाकर रख सकते हैं, इसको लगाने का सही तरीका क्या है, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे डाउट जो दही को लेकर होते हैं। देखिए, ये तो सब बोल देते हैं कि आप बालों में दही लगाइए, आपको इसका फायदा मिलेगा, लेकिन इसके साथ ही हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि कितनी देर तक लगाना है, क्या दही लगाने के बाद हम शैम्पू यूज कर सकते हैं, दही में ऐसा क्या मिलाकर लगाए, दही को कितने टाइम तक लगाकर रखना है, हफ्ते में कितनी बार हम इसको लगा सकते हैं या फिर हम इसको डेली लगा सकते हैं, क्या दही लगाने से हमारे बाल व्हाइट तो नहीं हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये सब डाउट भी आज की वीडियो के थ्रू मैं क्लियर करने वाली हूँ, और इसको लगाने का सही तरीका क्या है ताकि आपको इसका बेहतरीन रिजल्ट मिले वो भी शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फायदों के बारे में। तो देखिए, आपको भी पता है कि दही में होता है लैक्टिक एसिड, जो कि आपकी बालों की जड़ों पर वर्क करता है। ये आपकी बालों को टूटने से भी बचाता है, प्लस आपके बालों को चमकदार भी बनाता है। जी हाँ, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा रूखे बेजान हैं, तब आप दही अप्लाई करिए, ये आपके बालों को पोषण देगा, नमी भी देगा, ठीक है। दूसरे फायदे के बारे में बात कर लेते हैं। तो दही में एंटी बैक्टीरियल है, जो आपके स्कैल्प पर मतलब जितनी भी रूसी होती है उससे फाइट करके आपके मतलब स्कैल्प को डैंड्रफ फ्री बनाता है, ठीक है। और अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झाड़ू जैसे हो रहे हैं, रूखे सूखे हो रहे हैं, तब आप दही अप्लाई करिए, आपके बालों को चमकदार भी बनाए। तो दही में ना प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन B5 और D भी होता है, जो कि आपकी बालों की जड़ों को मतलब मजबूती प्रदान करता है और आपकी बालों को नमी भी देता है, ठीक है। तो अगर आपके बाल नहीं बढ़ रहे हैं और आपको लंबे बाल पसंद है, तब आप दही लगाइए, इससे आपके बालों की अच्छी ग्रोथ होगी। तो दही अप्लाई करने से ना आपके बाल काफी हेल्दी और सॉफ्ट भी होते हैं, और ये एज ए कंडीशनर भी काम करता है। पहले के टाइम में क्या होता था कि मैंने खुद देखा है, गांव में लेडीज ना दही से अपने बालों को धोती थी। जी हाँ, ये से एक तो उनके बाल बहुत कम झड़ते थे और वो पैर मतलब मजबूत भी होते थे, चमकदार भी। पहले के टाइम में इतने शैम्पू, कंडीशनर और जो हेयर मास्क अब आते हैं ना मार्केट में, इतने सारे नहीं होते थे, तो लेडीज ज्यादातर गाँव में दही का यूज करती थी। मैंने खुद अपनी दादी को देखा है, और उनके ना मतलब काफी टाइम एज हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उनके सर पर बहुत ज्यादा बाल थे। अब तो मतलब छोटे छोटे बच्चों के, टीनएजर्स के बाल इतने कम होते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा बाल झड़ते हैं। तो आप एक बार मतलब दही का भी यूज करके देखिए, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, आपके बाल नहीं बढ़ रहे, तो दही का यूज अगर आप करेंगे ना, तो धीरे धीरे आपको अपने बालों में बहुत ज्यादा फर्क नजर आने वाला है। और एक और बात, दही में ना प्रोटेक्शन लेयर भी होती है। जब हम बाहर जाते हैं, हम कोई स्कार्फ वगैरह या फिर छाता ले जाना भूल जाते हैं, तो जो सूरज की हानिकारक किरणें होती है ना, उससे भी अगर हम अपने बालों पर दही अप्लाई करते हैं तो उससे भी ये बचाती है, यानी कि सूरज की हानिकारक किरणें हमारे बालों पर सीधा प्रभाव नहीं डालती है अगर हम अपने बालों पर टाइम टू टाइम दही अप्लाई करते रहते हैं। तो ये तो हो गए इसके फायदे। अब बात कर लेते हैं कि कुछ जैसे डाउट, फिर बात करेंगे कि हम इसको मतलब किस किस चीज के साथ लगा सकते हैं ताकि हमें इसका बेस्ट रिजल्ट मिले। तो चलिए, अब बात कर लेते हैं डाउट के कि इसको लगाकर कितनी देर तक रखना है। तो देखिए, 15 मिनट आप इसको लगाकर रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या हम डेली दही लगा सकते हैं, तो जी नहीं, डेली लगाने की जरूरत नहीं। अगर आप डेली लगाते हैं ना, तब आपका स्कैल्प जो है ना वो ज्यादा मतलब ऑयली ऑयली सा हो जाएगा, और ऑयली स्किन वालों को तो और भी ज्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। अगर स्कैल्प ज्यादा ऑयली रहेगा, फिर क्या होता है कि इधर भी पसीना वगैरह ज्यादा आता है, फोरहेड भी थोड़ा ब्लैक सा दिखता है। तो आप इसको 3 दिन में एक बार लगा सकते हैं, यानी कि वीक में आप 2 बार इसको लगा सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि क्या दही लगाने के बाद शैम्पू हम यूज कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल शैम्पू आप यूज कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। आप कंडीशनर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दही लगाने के बाद ज्यादातर कंडीशनर लगाने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि क्या दही लगाने से बाल सफेद होते हैं, तो जी नहीं, ये बिल्कुल मिथ है। दही लगाने से बाल सफेद नहीं होते हैं, बल्कि आपके बालों को मजबूती देता है दही। और एक ये डाउट कि दही लगाने के क्या क्या नुकसान है, तो देखिए, ऐसा कोई नुकसान तो नहीं है। जैसे मैंने बताया कि अगर आपका स्कैल्प बहुत ज्यादा ऑयली है, तब आप इसको सिर्फ वीक में 2 से 3 बार ही लगाइए, ज्यादा आपको नहीं लगाना है। अगर आप डेली लगाएंगे तो आपको मतलब दिक्कत हो सकती है, सिर्फ इतना ही इसका नुकसान है, और ऐसा कोई इसका साइड इफेक्ट आज तक देखने को नहीं मिला है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इसको लगाना कैसे है, यानी कि किन किन चीजों के साथ आप दही को मिक्स करके लगा सकते हैं। तो देखिए, आप विटामिन ई के जो कैप्सूल आते हैं, उनके साथ दही को मिक्स करके लगा सकते हैं। वैसे तो आप घर का बना हुआ दही भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर घर पर आपके पास दही नहीं है, तब आप मार्केट वाला भी यूज कर सकते हैं,
इसको आपको चम्मच लेना है और अच्छे से उसको मिक्स करना, मतलब फेट लेना है, ठीक है। उसके बाद आप उसमें विटामिन ई के कैप्सूल ऐड करिए। एक तरीका तो ये हो गया, उन दोनों को मिक्स करके लगाई 15 मिनट तक आपको लगाकर रखना है। या फिर आप उसमें एलोवेरा जेल भी मिक्स कर सकते हैं, आप दही के साथ केला भी ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हेयर मास्क होते हैं जो दही और केले को मिलाकर बनते हैं, वो ऑलरेडी है भी मेरे चैनल पर, अगर आप मतलब डिटेल में देखना चाहे तो आप चैनल पर चेक कर लेना, ठीक है। आप दही के साथ अंडा भी मिक्स कर सकते हैं, अगर आप अंडा यूज कर लेते हैं तो वो भी लगाइए, वो भी आपके बालों को प्रोटीन, मतलब एक बहुत ही अच्छा हेयर मास्क बनकर तैयार होता है। इससे आपके बालों को मजबूती भी मिलती है, शाइनिंग भी आती है और बालों का टूटना भी कम होता है अगर आप इस तरीके से लगाते हैं। एक आप ऐसा कर सकते हैं, दही ले सकते हैं और जो गुड़हल के फूल आते हैं ना, जो उनकी पत्तियां होती है, आप उन दोनों को भी मिक्सी में पीसकर अपने बालों पर हेयर पैक लगा सकते हैं। आप दही और करी पत्ते का भी हेयर पैक लगा सकते हैं, ये भी काफी इफेक्टिव है, ये भी आपके बालों के लिए बहुत ही मतलब यूजफुल है। आप इस तरीके से दही को लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप ना दही को नारियल तेल के साथ भी मिक्स करके लगा सकते हैं, या फिर आप खाली दही भी लगा सकते हैं। अगर आपके बाल ज्यादा खराब नहीं हुए हैं तो खाली दही का यूज भी काफी बेनिफिशियल होता है आपके बालों के लिए, तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं तो ऐसे बदल बदल कर लगाती रहती हूँ, कभी दही सिंपल दही लगा ली, कभी उसके साथ विटामिन ई के कैप्सूल ऐड कर दिए, कभी करी पत्ता, इस तरीके से मैं लगाती रहती हूँ। तो जब भी आप दही लगाए उसके बाद अच्छे से शैम्पू आपको करना है। अगर आप मतलब शैम्पू की क्वांटिटी थोड़ी कम रख लेते हैं ना, तब वो दही अच्छे से आपके बालों पर नहीं निकलती, तो आपका मतलब सर ना थोड़ा ऑयली ऑयली सा, स्कैल्प ऑयली ऑयली सा दिख सकता है। तो आप अच्छे से शैम्पू लेना है आपको और उसको पानी के साथ आपको डाइल्यूट करना है। जैसा कि हमेशा कहती हूँ, डायरेक्टली शैम्पू आपको नहीं लगाना, इस तरीके से आप अपने बालों को वॉश कर सकते हैं, काफी बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आज की वीडियो। अगर ये हेयर केयर से रिलेटेड टिप्स आपको पसंद आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हेयर केयर से, स्किन केयर से, या फिर मेकअप से, या फिर मतलब किसी प्रोडक्ट का रिव्यू, ये सब वीडियो ना मेरे चैनल पर आती रहती है। आप चाहे तो प्लेलिस्ट पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो कोई मेरे चैनल की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर देना। मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।